हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और हम आज लेटर सीरीज की बात करने वाले हैं, उसमें हम जो प्रश्न रह गए थे उसी की बात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। आज के प्रश्न हैं आपके लेटर सीरीज में। मैंने पिछले वीडियोज में लगभग 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से मैं आज आपको आगे के क्वेश्चन कराऊँगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज पार्ट 3 का सेकंड। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपके पास, ZTWYSVXRU। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है क्या आएगा। प्रश्न है आपके पास ZTWY और YSVXRU। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं 26, 24, 23। ठीक, यानी कि घटता हुए क्रम में लिखा है। ठीक, -1, -1 और -1। तो -1 23, 24 से एक माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, W। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये लिखा है 20, 19, 18। तो क्या आएगा अगला टर्म, 18 के पहले आता है आपका 17, यानी कि Q। ओके, इसके बाद क्या है, W यानी कि 23, V 22 और U 21। तो 23, 22, 21 तो क्या आएगा, यानी कि 20T। तो WQT आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WQT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न, और आप जानते हैं कि पहले का संबंध पहले वाले से होता है, इसी प्रकार इसका संबंध भी इसी से होगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है आपके पास, YXW और UTS QPO और MLK। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट टर्म हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, इसे कहते हैं 25 और 21, 17, 13। ठीक, आप सब जानते हैं। तो 25 से 21 यानी कि -4 और 21 से 17 यानी कि -4। ठीक, और 17 से 13 यानी कि -4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 13 से माइनस का 4 करें जाए 4 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 यानी कि आई। ओके, इसके बाद इसे कहते हैं 24, इसे कहते हैं 20, टी को, पी को कहते हैं 16 और एल को कहते हैं 12। तो 24 से 20 का मतलब है -4। ठीक, 20 से 16 का मतलब है -4। ठीक, और 16 से 12 का मतलब है -4 और 12 से -4 जब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 8 यानी कि H। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम इसी प्रकार यहाँ भी इसको कहते हैं 23, इसको 19, इसको 15 और इसको 11। तो क्या आएगा, तो यहाँ भी -4 ही हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। 19 से 15 होना, 15 से 11 होना, 11 से 7, 4, 8। तो क्या आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, 11 में अगर हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7 और 7 को कहते हैं जी। तो आई एच जी,
आई एच जी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है डब्ल्यू वाई वी, डब्ल्यू वाई वी क्वेश्चन मार्क और आई के एच और बी डी ए, ये प्रश्न है आपके पास। ठीक, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो प्रश्न है आपके पास डब्ल्यू वाई वी और आई के एच बी डी ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो प्लस सात यानी कि नौ क्या होगा, दो प्लस सात नौ हुआ। ठीक, और नौ प्लस सात कितना हो जाएगा, नौ प्लस सात आपका हो जाएगा सोलह। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सोलह। ठीक, प्लस सात कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि पी होता है आपका सोलह। ये नौ हो गया, नौ में सात ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा पी सोलह। ठीक, और सोलह और सात, सोलह सात आपका हो जाता है तेईस। क्या हो जाता है, तेईस हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर है आपके पास चार से ग्यारह, चार से ग्यारह यानी कि प्लस का सात, सात चार ग्यारह। ठीक है, इसके बाद ग्यारह, ग्यारह प्लस सात कितना हो जाएगा, अठारह। तो क्या आ जाएगा, आर। ठीक, ये बात समझ में आई। और अठारह और सात, अठारह सात पच्चीस होता है, क्या होता है, पच्चीस। तो ये पच्चीस लिखा है वाई। ठीक, इसके बाद एक, एक प्लस सात आठ हो जाएगा, आठ को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और आठ और सात, आठ और सात हो जाता है आपका पंद्रह, और पंद्रह को क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। और पंद्रह और सात आपका क्या हो जाएगा, पंद्रह सात हो जाएगा आपका बाईस, और बाईस को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर आप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी आर ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपके पास Q, Y, K और Q, Y, K क्वेश्चन मार्क I, S, G, E, P, E, E, P, E। ठीक, यहाँ भी वही रूल है सेम। इसको कहते हैं पाँच और इसको कहते हैं नौ। तो पाँच और चार यानी कि प्लस का चार, और नौ चार तेरह, तो तेरह को क्या कहते हैं, तेरह को हम कहते हैं M। ठीक, और M प्लस चार यानी कि तेरह प्लस चार सत्रह, और सत्रह को कहते हैं Q। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट। ठीक, चलिए इसके बाद इसको कहते हैं सोलह, सोलह कहते हैं, सोलह और सोलह चार कितना हो जाएगा, सॉरी सोलह, सोलह तीन, सोलह
तीन, 19 और 19 और 3 कितना 22, क्या हो जाएगा 22, ठीक। तो 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 को कहते हैं V, ओके। और 22 प्लस 3, 22 प्लस 3 आपका क्या हो जाता है 25, तो 25 को Y कहते हैं, ठीक। ये बात आपको समझ, यानी कि जो हमने लिखा वो सही लिखा, क्योंकि दोनों तरफ से पुष्टि हमारे आंसर्स की आंसर की हो रही है, ठीक। इसके बाद पाँच कहते हैं इसको, 5 + 2 = 7, ठीक। और 7 + 2 = 9 आई हो गया, 7 + 2 = 9 यानी कि आई हो गया। और 9 + 2 क्या हो गया 11 हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया MVI हमारा इसका आंसर आ गया। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है आपका QPO और NNML और KJI, तो और क्वेश्चन मार्क है और EDC, ठीक। ये प्रश्न है आपके पास और इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। इसको कहते हैं 17, 14, 11 और इसको 5, ठीक। तो 17, 14 यानी कि माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक। और 14 से 11 माइनस का 3, ठीक। और 11 से माइनस 3 कर देंगे तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 यानी कि H। ये बात आपको समझ में आई, आ गई होगी, ठीक। इसके बाद 16 से 13 माइनस का 3, 13 से 10 माइनस का 3 और 10 से माइनस का 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका G 7, 10 में 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 7 और 8 में माइनस का 3 कर देंगे तो आ जाएगा 5 और 7 में माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4, ठीक। चलिए 15 में माइनस 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 यानी 12L और 12 में 3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा I यानी कि 9 आ जाएगा और 9 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका F यानी कि 6। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा और 6 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा C यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा HGF हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा HGF, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास BEH और क्या है DGJ N
क्यू टी क्वेश्चन मार्क। और इसमें मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है आपके पास टी के एल, दूसरा है आपके पास जी एच टी, और तीसरा है आपके पास जे एम पी, और चौथा है आपके पास आर एम ओ। ठीक, ये आपके पास ऑप्शंस हैं प्रश्न नंबर 6 के। ठीक, हाँ दिख रहा। तो आप जैसे कि हम अभी तक प्रश्नों को देख पा रहे थे किस तरह कर रहे हैं, हम पहले का संबंध पहले से कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इस तरह से नहीं बनेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें करें तो 2 से 4 + 2 इसके बाद हो जाता है सीधा 14, यानी कि प्लस का 12 करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, हम उनका ही गैप देखते हैं। किनका गैप देखते हैं, इनका 2 और 2 + 3 यानी कि 5, 2 + 3 यानी कि 5, और 5 + 3 8। कुछ समझ में आया? ये और देखिए, 4 + 3 7, और 7 + 3 10। ठीक, इसमें भी देखिए 14 + 3 17, और 17 + 3 17 + 3 आपका 20। ठीक, अब हमें देख लेना है कि जो ये सीरीज में जो हमारे पास ऑप्शन हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो 20, इसको कहते हैं 20, इसको 11, इसको 12, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसके बाद 7 + 1 = 8, इसमें +1 है लेकिन हमें इसमें क्या करना है, +3 करना है, ये भी नहीं हो सकता। डी नंबर को चेक करते हैं, डी नंबर है 18 + 13, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चेक भी कर लेते हैं सही है या गलत है। तो इसको कहते हैं 10, 10 + 3 13, 13 को कहते हैं एम, यानी कि +3, और 13 + 3 आपका हो जाता है 16। तो यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, सी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 करते हैं अब। प्रश्न नंबर 7 है आपके पास ए एफ आई, और क्या है जे ओ आर, और एम आर यू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा जे एम पी, क्या जाएगा जे एम पी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, और तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपके पास आर जे एल, पहला ऑप्शन है आर जे एल, दूसरा ऑप्शन है जी आई एन, और तीसरा ऑप्शन है एच एम पी, चौथा है पी एम ओ। ये आपके प्रश्न नंबर 7 के ऑप्शंस हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी सेम, हमें अगर पहले से पहले का करेंगे तो 1 से 10 पहुंचेंगे यानी +9, और 10 से 3 यानी कि +13, 10 से 13 यानी कि +3 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो प्रश्न नंबर 5 का जो
फॉर्मेट है करने का, क्वेश्चंस को टैकल करने का, वो फॉर्मेट हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको फॉर्मेट प्रश्न नंबर 6 की फॉर्मेट की तरह हम इसको भी टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हो पा रहा है, क्या हो रहा है, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 6, तो 1 से 6 पहुँचना यानी कि प्लस का 5, ठीक, 6 से 9 पहुँचना यानी प्लस का 3 हो रहा है, ठीक, ये बातें यहाँ पे हो रही हैं। 10 से 15 पहुँचना यानी प्लस का 5, और 15 से 18 पहुँचना यानी कि प्लस का 3, ठीक, हमें यहाँ पे क्या सीरीज मिली, प्लस का 5 प्लस का 3। इसके बाद 13 से 18 पहुँचना, तो 13 से 18 पहुँचना यानी कि प्लस का 5, और 18 से 21 पहुँचना यानी कि प्लस का 3। तो जो फॉर्मेट यहाँ पे है, अगर किसी ऑप्शन में यही फॉर्मेट आ जाए तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शंस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमें केवल इतना चेक कर लेना है, ठीक, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 18 10 12, इसका कोई ऑप्शंस नहीं बन रहा है। जी को कहते हैं 7 2 9, यहाँ पे प्लस करना है, वहाँ पे केवल 2 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर डी को करते हैं तो 16 लिखा है, 13 लिखा है प्लस का, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, ये तो गलत हो गया। और अगर हम चेक करते हैं प्रश्न नंबर सी को, तो प्रश्न नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ कैसे सही हो जाएगा। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो प्रश्न नंबर सी ऑप्शन है HMP, और H को कहते हैं 8, M को कहते हैं 13, 8 प्लस 5 13, और 13 प्लस 3 16, क्योंकि इसको 8, इसको 13, इसको 16 कहते हैं। तो 8 प्लस 5 13, और 13 प्लस 3 16 हो गया, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HMP इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर क्या है, चलिए प्रश्न नंबर आठ है बिल्कुल सरल, निहायती सरल। तो CP क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 8 है आपका DBT, AA, BE, CP। तो जाहिर सी बात है AA, BC, तो यहाँ पे हो जाएगा DD। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे DD हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसको कहते हैं 20, और इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 16। लेकिन आपको अगर याद हो तो ई को 31 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ई को हम 31 भी कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ई को 31 भी कहते हैं। तो 20 से 31 का बनना यानी प्लस का घेरा, कुछ समझ में आया, 20 से 31 का बनना यानी प्लस का घेरा, और 5 से 16 बनना
तो प्लस का घेरा, ठीक। और 16 प्लस घेरा यानी कि 27, और 27 को क्या कहते हैं, 27 को हम कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए। तो डी डी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का, ठीक, डी डी ए। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 की बात अब करते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपको कि ELFA, अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज नहीं होगा लेकिन लेटर्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, लेटर्स की संख्या बढ़ जाएगी ELFA GLHA ILJA और क्वेश्चन मार्क है आपके पास, फिर है MLNA, ये प्रश्न है आपके पास। प्रश्न नंबर 9 जो है आपके पास है वो कुछ इस फॉर्मेट में है और हमें बनाना है कैसे बनेगा। तो आप अगर जान पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले बताया था कि पहले का संबंध पहले से ही होगा, ठीक, कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, और अगर इस तरह में नहीं बन पा रहा है तो हम लोग देखते हैं उन्हीं के बीच का गैप, देखते हैं कितना गैप है, ठीक। नहीं, जनरली तो हम इसी फॉर्मेट में ही बनाते हैं, ठीक, हम इसी फॉर्मेट में ही प्रश्न को टैकल करते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, 5, 7, 9, 11, तो 11 को क्या कहते हैं, 11 को कहते हैं के, 11 के बाद 13, ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद L L L L यानी कि L इज द कॉमन लेटर, ओके। इसके बाद 6, 8, 10, 12 यानी कि L फिर से। इसके बाद A A A A A, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हमारा राइट आंसर आएगा के L L A, K L L A राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, ठीक। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, K L L L K L L A, ओके। चलिए और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन A B A B E F, A B E F और फिर क्या है, I J M N, फिर हमें बताना है, ये है प्रश्न आपके पास। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, इसको हम देखिए करते हैं, 1 से 9 यानी कि 8, 9 से 8 यानी कि 17, 9, 8, 17, ओके, 17 को कहते हैं क्यू, ठीक। 2, 2 से 10 प्लस का 8, और 10 से 18, 10 प्लस 8, 18, 18 को कहते हैं आर, ठीक। 5, 5 से 13 यानी कि 8 प्लस का 8, और 13 प्लस 8, 21, 13 प्लस 8, 21, 21 को कहते हैं यू, ओके। इसके बाद 6 है, 6 प्लस n, 14 यानी 8, 6, 14, 8 और 14 और 8 क्या हो जाएगा, 22 यानी कि V। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू आर यू वी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, जो कि आज का आखिरी प्रश्न नंबर है।
आखिरी प्रश्न है। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।